नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुजान एनर्जी लिमिटेड की। 4.5% की बेहतरीन रैली दोबारा से और स्टॉक लगातार तेजी में है। मैंने आपको पहले भी बोला था खरीदारी करनी है इस स्टॉक में और बेहतरीन चला है इस हफ्ते में। अगर आप देखो लास्ट वीक की जो भी गिरावट हुई थी वो सारी कवर हुई है यहाँ पे, और ना सिर्फ कवर हुई है बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिला है। क्या अभी भी खरीदारी करने का मौका है आपके सामने या नहीं, कितना टारगेट लेकर के चले, और क्या ये ऊर्जा ग्लोबल की तरह अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में डबल हो सकता है? क्या ये स्टॉक भी 7 रुपए से 15 रुपए 16 रुपए तक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको आने वाले 1.5 से 2 महीनों में या नहीं, उसकी बात करेंगे। साथ में चर्चा होगी, बाजार ने फ्राइडे तक आते आते अपना रंग दिखा दिया है, गिरावट हुई है बाजार में तगड़ी, 17,000 डिफेंड जरूर कर रहा है बाजार आपका, बट बैंक निफ्टी बुरी तरह से टूटा है यहाँ पे, तो उसकी भी बात करेंगे कि बाजार कब तक स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देता है, बाजार को देख करके क्या निकलता है, ओमिक्रोन का डर कितना है, FII की बिकवाली कितनी हो रही है, साथ में क्या करना है आपको सुजलॉन जैसी कंपनीज में अगर बाजार बुरी तरह से गिरावट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए बाजार की। देखिए बाजार में इस समय गिरावट हो रही है, और अगर बाजार में गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक हो बुरे स्टॉक हो सभी में आपको फॉलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप देखोगे तो 38 स्टॉक्स डिक्लाइंस में रहे हैं और सिर्फ 12 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। और अच्छा, एक बात ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बाजार में वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो चुका है, भले ही FII यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं या DII यहाँ पर खरीदारी कम कर रहे हैं, पर जो वॉल्यूम है ना वो कम है। बट छोटी स्टॉक्स की अगर आप बात करो, स्पेसिफिकली सुजलॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, ये ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स हो गए, इनमें वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। JB पावर हो गया, अगर आप इनका वॉल्यूम देखोगे बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। अभी भी आज भी वॉल्यूम अगर आप बात करो 105 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं सुजलॉन में। तो अगर बड़े स्टॉक्स की बात करो तो यहाँ पर जहां मंदी का दौर चल रहा है वहीं पर छोटे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है। तो एक चीज तो तय है कि अगर बाजार गिरावट में आता है उस दौरान भी सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में आपको साइडवेज ट्रेड करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, बट बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप खरीदारी करनी है, लंबा समय अगर आप रुक सकते हो यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करने का एक अच्छा समय है आपके लिए। बट एक चीज आपको गौर करना है, पहला बाजार देखो, बाजार में इस समय ना गिरावट है जैसा आप जानते हैं, और गिरावट के बाजार में अगर आप स्टॉक्स उठाते हो तो कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, कितने ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, वहां पर आपको वोलेटिलिटी जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी। शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, आपको वहां वोलेटिलिटी आएगी ही आएगी। अभी के लिए निफ्टी 50 जो है 17,000 डिफेंड कर रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट 17,000 कोई बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है, ये एक बस साइकोलॉजिकल मार्क है कि 17,000 के ऊपर है आपका बाजार तो मुझे लग रहा है कि हाँ सेफर साइड हूँ मैं यहाँ पे, बट 17 के नीचे गिरता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे रिस्क हो जाता है कि हाँ ये रिस्क मार्केट है, यहाँ से निकलो। तो वो एक साइकोलॉजिकल मार्क है, इसको लेकर के ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। आप देखेंगे कि मंडे को हो सकता है इसके नीचे ही खुले, ये जो सेटलमेंट के टाइम तक शाम तक अगर आप देखोगे तो 17 के नीचे हो सकता है बंद ही हुआ हो आज के दिन में बाजार आपका। तो निफ्टी 50 में 17,000 का लेवल मुझे नहीं लगता कि कोई डिफेंडिंग लेवल है। वैसे ही बैंक निफ्टी की अगर आप बात करो, क्योंकि दो बड़े इंडेक्सेस हैं आपके और बैंक निफ्टी ने पिछली बार भी आपको डिसअपॉइंट किया था, इस बार भी ये डिसअपॉइंट ही कर रहा है। 41,000 तक का हाई लगाया, 34,800 पे रुका हुआ है, 35,000 का जो लेवल कल क्रॉस हुआ था वो डिफेंड नहीं कर पाया, 350 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार आज बंद हुआ है 34,800 के पास। तो मार्केट की सिचुएशन है ना वो बहुत खराब है, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, गिरावट देखने को मिल रही है, बैंकिंग सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, पावर हो, ऑटो हो, गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स में चुनना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है और इस समय गवर्नमेंट कौन सी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, और रिन्यूअल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है रिसेंटली बढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ, मैं आपको तब से यहाँ पर बोल रहा हूँ खरीदारी करो जब से स्टॉक आपका यहाँ पर था। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है, बट आपको मार्केट में थोड़े से लेवल्स देखने पड़ेंगे। अभी के लिए अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जब गिरावट हुई थी तो बुरी तरह क्रैश आया था मार्च 2020 में, वो क्रैश था, लगातार हर रोज 2% 3% की गिरावट यहाँ पर हो रही थी, ये वो सिनेरियो नहीं है, करेक्शन का जोन है। और अभी तक आपको भी आदत पड़ गई होगी गिरावट देखने की, एक सपोर्ट आपका यहाँ पर था जो ब्रेकडाउन हुआ, दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पर था जो ब्रेकडाउन हुआ 17,000 के आसपास का। अभी के लिए मार्केट 17 के आसपास रुका हुआ है, बट ये कोई सस्टेनेबल लेवल नहीं है, तो बाजार आपको बहुत जल्द 16,200 के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। तो अभी के लिए अग्रेसिव नहीं जाना है किसी भी स्टॉक को लेकर के, जब तक कि बाजार 17,700 के ऊपर नहीं निकलता है, लोअर एंड पे 16,200 है इस समय आपका सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17 को छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, 17 कोई बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है, 17 को समय ड्रॉप करो, आपको पकड़ना है 17,700 और 16,200। अगर 16,200 के करीब है बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है, डल बैठे रहना है, वॉचलिस्ट में रखो स्टॉक्स को, पोजिशन में बैठे रहो, पकड़ के काटना नहीं है सौदा, बट ये खरीदना भी नहीं है।
अगर ये ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहो, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा स्टॉक्स है, एवरेज करने का मौका आपको मिलेगा, बट मार्केट में ये डायरेक्शन पकड़ के चलना है, ऊपर 17,700 और नीचे 16,200 ये लेवल्स पकड़ के चलना है, ये लेवल्स नहीं भूलना है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। अभी सुजलॉन की बात करो तो सुजलॉन में कई बड़ी खबरें हैं। आपको पता है यहाँ पे सरकार भी PLI स्कीम के थ्रू 10,000 करोड़ के आसपास ही निवेश करने वाली है, साथ में लोअर एंड पे अगर आप देखोगे तो 6.70 रुपए 6.60 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहीं पर जो पहला रजिस्टर स्टॉक फेस कर रहा है इस समय पे वो है दैट इज अराउंड 8.40 रुपए का। अगर स्टॉक यहां से निकलता है सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड ₹10 का, आपका दूसरा टारगेट यहां पर होने वाला है अगर 8.40 रुपए क्रॉस करता है तो। खरीदारी बिल्कुल कर सकते हो बट एक न्यूट्रल जोन में स्टॉक आपका, ठीक है। अभी बोलिंजर उतना सेट नहीं हुआ है तो धीरे धीरे करके हो सकता है एक आध कैंडल यहाँ पे अभी गिरावट की आ सकती है, उसके बाद ही धीरे धीरे करके अपर साइड की ओर भागेगा। अभी भी अगर आप देखो स्टॉक कोई बहुत बड़े मोमेंटम के लिए रेडी नहीं है, बट यस जिस तरह की खबरें हैं सरकार यहां पर निवेश कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन का वायदा कर चुकी है, कंपनी में ऑर्डर बुक काफी तेजी से बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छे पोर्टफोलियो में अगर एक अच्छा स्टॉक चाहिए आपको तो यहां इस स्टॉक को कम से कम आप कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें। लोअर एंड पे 60 रुपए के आसपास का आपको एक अच्छा RSI मिल रहा है। मैग्डी की बात करें, मैग्डी आपका स्ट्रॉन्गली बोल रहे हैं, इंस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहा है, ये भी काफी बढ़िया रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी में गजब की खरीदारी हुई है, साथ में ही अगर आप डिलीवरी की बात करो भैया डिलीवरी बहुत बेहतरीन है। कल 23 दिसंबर को 47% की डिलीवरी उठी है, उससे पहले 100% की डिलीवरी उठी है, उससे पहले 56% की डिलीवरी है, उससे पहले 55% की डिलीवरी है, उससे पहले 65% की डिलीवरी है, तो बहुत गजब का माल उठाया जा रहा है यहाँ पे। और जब किसी भी स्टॉक में इतनी बढ़िया खरीदारी हो रही हो तो उसको अवॉइड करना थोड़ी सी गलती होगी आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी डिलीवरी है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि सरकार यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का रिन्यूअल्स में निवेश करने वाली है। सुजलॉन कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस करा है टू एक्सपेंड, कंपनी समय गुजरात में अपना नया प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रही है। वहीं पर अगर आप इसके फंडामेंटल्स की बात करो, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट यस यहाँ पर खरीदारी आपको बिल्कुल करने का एक अच्छा मौका है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे, कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था, रेवेन्यू में जंप है, बट क्योंकि आपको पता है गुजरात में जो ट्राइबल्स का अफेयर वगैरह हुआ था वहां पे थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, उससे कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ने से इनका मार्जिन भी घटा और साथ में लॉस भी इनका थोड़ा डीप हो गया था। प्रॉब्लम थोड़ी कंपनी में है इस समय पे, बट आपको छोटी कंपनी अच्छे सस्ते दामों में मिल रही है, रिन्यूअल्स की कंपनी है, और बिल्कुल यहाँ पे आपको खरीदारी करने की सलाह मिली जाएगी। बाय ऑन डिप खरीदारी करो, 10 रुपए का टारगेट रहने वाला है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, और उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे करके मार्केट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है आने वाले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर बहुत बेहतरीन आपको टारगेट देखने को मिलेगा, बाय करने की सलाह है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, कहें आपके शार्जी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो थैंक यू।